नमस्कार, सच कहूं बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। दिल्ली में मनीष सिसोदिया का ऐलान, सरकारी स्कूलों में रह सकेंगे पलायन कर रहे लोग, खाना भी मिलेगा। कोरोना वायरस के चलते देश में 24 घंटे में सामने आए 149 मामले, पीएम मोदी ने आयुष कर्मियों से की बात। डोनाल्ड ट्रंप ने दी बच्चों को सलाह, आराम से बैठें, तरीके से पेश आएं, हाथ धोएं और अमेरिका पर गर्व करें। पीएम मोदी ने ममता से की फोन पर बात, कोरोना को रोकने के लिए उठाए गए सरकार के कदम को सराहा। काबुल गुरुद्वारे आतंकी हमले के तार, केरल से जुड़े अल हिंदी नाम का व्यक्ति था शामिल। लॉकडाउन के चलते दिल्ली यूपी बॉर्डर पर पलायन करने वाले मजदूरों के लिए 1000 बसें उपलब्ध। पीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जारी किए निर्देश, खेतों में जाकर किसान संभाल सकते हैं फसल व सब्जी। कोरोना वायरस के चलते कर्फ्यू के बीच पंजाब में जरूरी वस्तुओं की सप्लाई को स्थापित किए गए कंट्रोल रूम। हरियाणा के पानीपत में पत्नी और दो बच्चों को लाइसेंसी पिस्तौल से गोली मारकर राशन डिपो होल्डर ने की खुदकुशी। कोरोना वायरस के चलते हरियाणा में लॉकडाउन, बच्चों के घरों तक महीने का राशन पहुंचाएंगे आंगनवाड़ी वर्कर। राजस्थान सरकार की कर्मचारियों को सौगात, महंगाई भत्ते में 5% की वृद्धि की। राजस्थान में लॉकडाउन के बीच डूंगरपुर पहुंचे बाप बेटे, निकले कोरोना वायरस के पॉजिटिव। कोरोना वायरस के चलते राजस्थान में 66 वर्षीय बुजुर्ग की मौत, कोरोना पॉजिटिव पाया गया था, संख्या 45 हुई। अब तक पूरे देश में 906 मामले, आज 22 संक्रमित मिले। गुजरात में 7, महाराष्ट्र में 6 और मध्य प्रदेश में 4 नए मामले। ट्रेन के डिब्बों पर आइसोलेशन कोच बनाने की तैयारी। वर्क फ्रॉम होम से इंटरनेट और वाईफाई की बड़ी डिमांड, वीक नेटवर्क से लोगों में मुश्किलें बढ़ी। जरूरतमंदों को खाना पहुंचाने में आया डेरा सच्चा सौदा, बांट रहे राहत पैकेज। कांग्रेस की मांग, लोन की ईएमआई 30 जून तक टाले केंद्र सरकार, हर गरीब को दें 10 किलो अनाज। लॉकडाउन में आमजन के मददगार बनेंगे भाजपा वॉलंटियर, जेपी नड्डा ने प्रदेशाध्यक्षों को दिए निर्देश। खबर पंजाब तो, जलंधर सड़क हादसे, पंजाब पुलिस दे ASI दी मौत। कर्फ्यू पास दिया बेनतियां तो परेशान प्रशासन, कुत्ते बार कमाने लई भी लोग मांग रहे ने पास। लुधियाना केंद्रीय जेल चो 4 कैदी हुए फरार। चंडीगढ़ के लोगों को मिली वड्डी राहत, सवेरे 10 बजे तो लेकर शाम तक खुलिया जरूरी दुकाना। कैप्टन सरकार ते किसानों सामने सब तो वड्डी मुसीबत, कणक दी फसल सामनी औखी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहें सच कहूं। देश विदेश की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें सच कहूं और बेल आइकन प्रेस करके पाएं हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले।